ये देखो, ये ना ये बंद ही कराना चाहिए यार। हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज करते हैं नए दिन की स्टार्ट फिर से। 3 दिन हो गए मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला था। एंड बाय द वे, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, क्योंकि मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर हो गए एंड नाउ आई एम फोकसिंग ऑन 500, क्योंकि ये मंथ के एंड तक मुझे 500 चाहिए, क्योंकि दिसंबर खत्म हो जाएगा और उसके बाद 1 जनवरी में नया साल, और नए साल में मुझे मोनेटाइज चैनल क्या ही मजा आएगा। मैं तो सोच के एकदम एक्साइटेड हूँ ये चीज। एंड एक और चीज है, आज संडे मतलब खाली रोड, आज पूरा खाली रोड मिलने वाला है चलाने के लिए बाइक, उसमें ज्यादा मजा आएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है तो उसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैच है तो लोग आज कम रहेंगे स्टोर में, तो हम थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम फटक से रेडी होकर निकलते, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ और मुझे फटफट भागना पड़ेगा, क्योंकि बाइक में शायद से पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरवाना है, और क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो फटक से अभी निकल और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो फाइनली हो चुका है बाइक, मामा का से यहाँ से निकलते हैं। वेलकम बैक गाइस, आज के नए व्लॉग में मैं ऑलरेडी एक बार वेलकम कर चुका हूँ आप लोग को, बट ठीक है ना, मोटो व्लॉग में भी वेलकम करना पड़ता है, ठीक है। तो वेलकम गाइस, वेलकम गाइस नहीं, वेलकम गाइस। एंड चला रहा हूँ 3 दिन के बाद अपनी बाइक, और क्या ही सुकून लग रहा है यार इसको चला के, ऐसा लग रहा था बॉडी को जैसे रेस्ट चाहिए रहता है ना, वैसे बाइक को भी कभी कभी रेस्ट दे देना चाहिए। और उसके बाद क्या ही भाग रहा है ये गाड़ी, मजा आ रहा है इसको चला के। संडे को बहुत मजा आता है बाइक चलाने में, क्योंकि मोस्टली सारे रोड्स खाली रहते हैं मेरे हिसाब से, ये जो आपको दिख रहा है वो खाली ही है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और ये खाली ही बोला जाता है, तो ठीक है थोड़ा सा खाली है रोड, और हाईवे भी खाली मिलेगा हमें। ये देखो, ये है ना, ये बंद ही कराना चाहिए, यहाँ से कोई भी कभी भी आता है यार। 2-3 बार देखा है, उस दिन तो एक ऑटो वाला वहां से निकाला, पता नहीं कैसे निकाला, बट ऑटो वाला निकाला वहां से। इतना बड़ा है ना यूटर्न, यहाँ से क्यों नहीं आना है तुम लोग को, और उसकी वजह से कितने लोग एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, तुम भी जाओगे सामने वाला भी जाएगा, क्यों ही करना है ये सब। हाँ, यहाँ पे रोड पे ही खत्म हो गया क्या गाड़ी, इसके लिए थोड़ा सा जाम हो गया था, आप समझे। मतलब संडे को किस बात का जाम भैया, यहाँ तो ऐसे रोड मिलता है संडे के दिन, तो ऐसा सुकून से जाओ। आज का जो था ना राइड, क्या ही मजा आया, मैं मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि खाली खाली रोड था और क्या ही सही था यार, वेदर भी बहुत सही एकदम। अभी आए हम स्टोर, और स्टोर में क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे चल रहा है योगा और टीटी के। हम होते थोड़ा सा फ्रेश है ना, क्योंकि हेलमेट पहन के बाल की जो है ना पूरी हालत खराब हो गई है, और आपसे मिलता हूँ थोड़ा टाइम के बाद मैं। वहाँ पे तो कोई कैंपिंग का सेशन चालू है, दूसरे सेशन में आता हूँ मैं अभी। और ये चालू है तीसरा, मस्त बच्चा मार रहा है वो, और कोई नहीं अंकल कुछ होता है होता है। जिन लोग ने ब्लू ने पहना सबको घर भगा रहा है, बेटा गो होम, घर भेजो इनको। हाँ, घर गो होम। कलर वाले लगा रहे हैं ना हम, आज लगा रहे हैं। नहीं, ये ब्लैक के साथ तो नहीं चलेगा ये सब। और तुम क्या लाल, कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो? ऊपर से ब्लैक पहन क्या है? आई फील लाइक सेलिब्रिटी, जो भी आ रहे सब आके फोटो खींच के जा रहे हैं, क्योंकि फोटोग्राफी का वर्कशॉप चालू था, कैमरा लेके घूम रहे ना हमारे, फोटो खींच ही रहे। आज हो गई बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे जो फोटोग्राफर थे ना उनको रोस्ट करके मजा आ गया, और फ्रूट खाए जा रहे हैं। लोग कितने अच्छे हैं इधर, इसने मेरे फ्रूट मंगाया था, दे दिया एक बहुत बड़ा। हे, हाय हाय, हेलो, हाय, आल्सो आप also आपसे क्या पेंट कर रहे हो भाई, क्या पेंट किया है तो करो, चलो
जस्ट रूम से बाहर ही आया और विराट आउट हो गया शट 52 पे। 6 विकेट जा चुके हैं। अरे रे 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 रे, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे अभी, पता नहीं। मस्त विकेट लिया। मैं निकल गया वहाँ से क्योंकि मैच है ना, अलग ही मोड पे चला गया था, तो उसके लिए हमने बंद कर दिया मैच, वहाँ से निकल लिया। अभी क्या करना है, रोना है? इतना बुरा खेले क्या हम? अरे बंद तो कर यार। नो प्राइवेसी। अच्छा खाना भी है, ठीक है पहले हम जाते हैं कुछ अच्छा खाते, क्योंकि इसका मूड है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है मैच को लेके। ठीक है हम जाते हैं यहाँ से। फिर फाइनली मैं निकल गया स्टोर से, और आज का जो मैच वाला जो एक्साइटमेंट था ना, पता नहीं एंड में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। ऐसा लगा यार पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला हम लोग ने, लास्ट में थोड़ा सा ठंडे हो गए इसकी वजह से, और ये मैच की वजह से पूरा रोड कैसे खाली है आज पूरा, शिट यार। अरे रे रे रे, ये सामने से कहाँ से चल रहा है, कहाँ पागल बंदा है वे, सामने से आया वो, ऐसे ऐसे लोग होते यहाँ पे, शिट। वो भी बीचों बीच चल रहा है, साइड में भी नहीं चल रहा था भाई, मरना है क्या उसको? और अगर सिग्नल, देखो पता है एक और स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरा हार्ड ड्राइव है ना क्रैश नहीं हुआ है, मेरे हार्ड ड्राइव में ना मेरे पास 3 से 4 साल की पूरी मेहनत है उसमें, मेरे हार्ड ड्राइव में, और वो करप्ट हो गया शिट। और इतना बुरा लग रहा था ना कि यार क्या करूं मैं, पूरे सालों की मेहनत है उसमें और है नहीं मेरे पास, सब उसमें ही था। वही मैं ट्राई करता हूँ उसको रिकवर करने का, बट होना चाहिए यार वो। यार कैसे सही है, एकदम मस्त विंटर आ गया एकदम सही सा, इतना जल्दी, और ऐसे ही रहना चाहिए, मेरे को तो ऐसे ही वेदर पसंद है, एकदम ठंडा था। हाँ फिर ठीक है ना, मेरे पास जैकेट भी है ना, इसके लिए मैं जैकेट आज से कैरी किया था, एक जैकेट तो ले लिया है, लड़की ने वापस दे ही नहीं रही है ना, यही डायलॉग चिपका, जो तेरा है वो मेरा है, मेरा तो मेरा ही नहीं रहता कभी कभी, मेरी मेरी चीज़ तो मेरे पास रहती ही नहीं कभी कभी ना, इतना डायलॉग ना मैं हूँ ना तेरी। हाँ ब्लॉग में आ रहा था। कैसा है मुंह की बना रहा है तू? कौन से फ्रेंड्स? ये दिख रहा है, ये तो मैं शॉक हो गया कि किसको फ्रेंड बोल रहा है, तेरे को ही बोल रहा हूँ ना, तो अलीबाग वाले है नहीं। हाँ वो पड़ी गए ताने तो सुनने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैं गया था किसी और फ्रेंड्स के साथ, वो डिफरेंट स्टोरी गाइस। सो ऐसे घूमते घूमते मैं आ गया था अपने खाड़ी के इधर, और इधर पे आज है बेसिकली छठ पूजा, एंड यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ना आए हुए हैं, एक या दो बार ही देखा है छठ पूजा अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये सब। सो मस्त, ये लोग सब लोग आज स्टे करने वाले पूरी ओवरनाइट, एंड अर्ली मॉर्निंग का जो सन रहेगा ना उसमें क्या क्या फॉरेनर छठ पूजा देखने आए गाइस। तो क्या कॉन्ग्रेट्स मैन, कॉन्ग्रेट्स, नया बाइक लिया भाई ने, जरूर जाएंगे ना राइड में, क्या बोल रहा है कुछ कौन। अनली में पहुंचा हूं घर, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर यू सब्सक्राइब, हमने 100 सब्सक्राइबर तो कर लिए, ठीक है अभी और 400 टू गो, ये मंथ का टारगेट रहेगा 400 और कैसे भी करके हो जाए, देन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर और एक्सट्रीम वीडियोस डाल सकता हूँ मैं, अगर वो सब तो ठीक है, बात की बात करते हैं, हम आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, पीस।